विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस विच तुहाडा स्वागत है। अज दे इस वीडियो विच असी गुम ने रसोई विचों गजल दी प्रसंग सहित व्याख्या करन जा रही हाँ। गुम ने रसोई विचों यह गजल कश्मीर नीर जी द्वारा लिखी गई है। इस दे विच उन्होंने पंजाबी सभ्याचार दे विच बदलाव नूं इस कविता का विषय बनाया है। उन्होंने दसिया है कि साडा रहन सहन, साडा पहरावा, साडा खाना पीना आदि सारा कुछ बदल गया है, अते साडे घरां दी नुहार ही बदल गई है। एक गजल दियां सत्रां इस तरह हन। गुम ने रसोई विचों चाटियां मधाणियां, बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सुहाणियां, खाण पीन पहरावा अपना गुआचिया, वगियां ने पछमी हवावां मर जाणियां। विद्यार्थियों इसका प्रसंग इस तरह है। यह काव्य सत्रा कश्मीर नीर द्वारा रची हुई गजल दे विचों लईयां गईयां हन। इस गजल का नाम है गुम ने रसोई विचों। इस गजल विच पंजाबी पहरावा, रहन सहन, खाना पीना आदि विच आए बदलाव नू विषय बनाया गया है। अटे घरां दी नुहार बदल चुकी है। इसका कारण साढ़े पछमी सभ्याचार दी नकल दे वल साडा वध रहा रुझान है, जिस कारण साडा पंजाबी सभ्याचार वैस्टर्न सभ्याचार दे प्रभाव हेठ आ रहा है, अते ए खत्म हुंदा जा रहा है, अते पछमीकरण दा प्रभाव दिनों दिन वधदा जा रहा है। इसकी व्याख्या इस तरह है। गुम ने रसोई विचों चाटियां मधाणियां। इत्थे कवि यह दसदा है कि साडियां रसोईयां दे विचों चाटियां ते मधाणियां गुम हो चुकियां हन, जो कि किसी समय साडे सभ्याचार का हिस्सा सन। बर्गरां ते पीजियां ने पट्टियां सुहाणियां, साडियां सुहाणियां जिहड़ियां ओह बर्गरां ते पीजियां ने पट दित्तियां हन, भाव के हुण घर दी औरत बर्गर अते पीजे खाणा ज़्यादा पसंद करदी है अते घर दे विच खाणा बनाउण नूं पहल नहीं दिंदी। खाण पीण पहरावा अपना गुआचिया, इस तरह साडा जो पहलां दा पहरावा हुंदा सी, खाणा पीणा हुंदा सी, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਗੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏ ਸੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਮੁਥਾਜ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एसी कूलर लगे हुए है, तो इसे असी हुण मुथाज हो चुके हैं, असी इन्हां तो बिना रह नहीं सकते। जिहड़ियां जवाना हिका लूहां च सी ताणियां, पुराने समयां दे विच जिहड़े नौजवान लूहां दे विच रहिंदे सी अते खुशियां माणदे सी, 9-9 इंच गद्दियां ते हुंदियां नसीबना, वह खुशियां सानू 9-9 इंच दे गद्दियां दे उपर सौण तो बाद भी प्राप्त नहीं हुंदियां। नींदरां जो दिंदियां सी मंजियां अलाणियां, जो नींदरां सानू मंजियां दे उपर आउंदियां सी ओह सानू हुण 9-9 इंच गद्दियां दे उपर नहीं आउंदियां। दौरी डंडे चक्कियां, उखलियां ते चरखे, सैकड़े ही मोईयां चीज़ां हो के निमाणियां, हुण दे जमाने दे विच कुंडा घोटना, चक्कियां, उखलियां ते चरखे अजिहियां सैकड़े ही चीज़ां विचारियां खत्म हो गईयां हन। खुरली तो वहड़ के बलद किथे तुर गए, किथे गए किलियां ते घुंगरू पराणियां। इसे तरह खुरली दे उत्तों बच्चे बल आदि किते चले गए, भाव के हुण नज़र नहीं आउंदे। इसे तरह ही किलियां दे उत्तों घुंगरू अते प्राणियां भी नज़र नहीं आंदियां, ये भी पता नहीं किथे चलियां गईयां। हुण तां समझ असी सकते हां, ताइयों इंग्लिश च दसो सानू साडियां कहानियां। कवि दसदा है कि हुण तां असी अपनियां कहानियां ही इंग्लिश तों बिना समझ ही नहीं सकते। दिल मोह प्यार अपनत सांझ छड़ गए, साडियां हो गई जीण जुगतां निताणियां। हुण तां साडियां जीवन जाच दियां जुगतां निताणियां हो गई हन, भाव के बिना शक्ति तो बिना ताकत तो हो गई हन। साडे विचों अपनत मोह प्यार की भावना भी खत्म हुंदी जा रही है। नीर पछ लग सब होए अंग्रेज दे, अपनी गुआईए पछाण पंज पाणियां। इस तरह कवि दसदा है कि असी सारे अंग्रेजां दे पिछलग हो गई हाँ, अंग्रेजा की रीस करन वाले हो गए हाँ, पछमी सभ्याचार के अधीन हो गए हाँ, असी अपनी पंजा पाणियां दी अपने पंजाब की पछाण नूं गवा लिया है,
असी अपने पंजाबी सभ्याचार नूं दिनों दिन पिछे धकेल रहे हाँ अते पछमी सभ्याचार दे वल वध रहे हाँ। इस तरह दे नाल साडे पंजाबियां दे उपर पछमी सभ्याचार दा प्रभाव दिनों दिन वधदा जा रहा है अते ए पंजाबी सभ्याचार विच आई तब्दीली दे कारण साडे घरां दी नुहार ही बदल गई है। विद्यार्थियों असी अपने अगले वीडियो विच फिर मिलांगे, तद तक धन्यवाद।